नमस्कार आदाब, आज शनिचर यूनि के 18 तारीख है। पेश है प्रोग्राम सात दिन में खबरें। एक्सपर्ट्स नेदरलैंड्स वाटर सेक्टर का सूरीनाम में आने वाले है और नेदरलैंड का सरकार 300,000 यूरो मदद देने वाले है। ये स्टोन, ये मदद जो सूरीनाम को दिया जाएगा, ये वाटर ओवरलास्ट के लिए है। ऐसे मिनिस्टर लिशस ग्रेन माखर, ये ऑन्टवेकलिंग सामन वर्किंग का मिनिस्टर नेदरलैंड का जो है, ये खबर सुक यूनि के 17 तारीख बतलाई है। ये फिनेंशियल स्टोन के बारे में जो सूरीनाम को दिया जाएगा और वाटर सेक्टर का एक्सपर्ट्स जो है, ये भी लगाया जाएगा सूरीनाम के मदद के लिए। ये बेहतराह मदद जो नेदरलैंड का सरकार देने वाले है 300,000 यूरो, ये फूड सेल्स होम ड्रिंक वाटर के लिए और अंडरवेस के लिए भी लगाया जाएगा। नेदरलैंड्स वाटर सेक्टर एक्सपर्ट्स जो है सूरीनाम का मदद करेंगे अर्जेंट वाटर प्रॉब्लम इनमें एक अपलॉसिंग लाने के लिए और पैसा जो दिया जाएगा ये इनसेट है फी एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के लिए जो सूरीनाम में सूरीनाम का मदद भी करने वाले है। इसके साथ ये वाटर ओवरलास्ट का शिकार सूरीनाम में कम से कम 7,000 लोग जो होते हैं जिनको मुश्किलात इनसे हुए हैं। ऐसे भी जो लोग शिकार हुए हैं वाटर ओवरलास्ट का, इन सभी को मदद दिया जाएगा। इनमें फुटसल स्कोन ड्रिंक वाटर स्कोल बनोड खेडन और मेडिस सौरख के लिए पैसा लगाया जाएगा। और भी परसोन कही ख्यान जो औरतों और लड़कियों का होता है इस पर भी लोग गौर करेंगे। ऐसे नेदरलैंड भी सूरीनाम का सरकार जबकि गुजारिश किए थे इंटरनेशनल बेस्टांत लोगों से जो मांग किए थे बैतलांत में, तो नेदरलैंड इस पर भी गौर किए है। ओ वे ये इन्फोरिंग करने वाले है नया वेट और रेखेविंग का, ये और एफिशेंटर और बेहतर अपने काम करने के लिए। मिनिस्टेरी जो है ओपन बार वर्कन ओवे का, ये इन्फोरिंग करने वाले है नया वेट और रेखेविंग का। प्रस्तावित जो डेस्कुंदह के जरिए से जो रखा गया मिनिस्टेरी के अलग से, तो मंगल यूनि के 14 तारीख ये बतलाया गया है कि हाल में कुछ फरांदरिंगन और टुपासिंगन लाया जाएगा। और मिनिस्टेरी ये कहते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि वेट और रेखेविंग के साथ फर्निविंग के साथ ओवे अपने काम और बेहतर से कर पाएंगे। मिनिस्टर याद नूर मोहम्मद, ये अंडरस्टैंडिंग जो पाई है मिनिस्टेरी के अलग से, मिनिस्टेरी फॉर यूस्टिसी एंड पोलिसी के अलग से और अनेकों डेस्कन इनमें लगे हुए थे आन पासिंगन लाने के लिए। ओवे मिनिस्टेरी ये तैयारियाँ जो किए है कुछ वेट और रेखेविंग के लिए। ऐसे भी ये फटेखन वोडर्स जो होते हैं फॉक्स वटेखन वोडर्स डिस्ट्रिक्स राज और रिसोर्ट्स राज लीडर के साथ मिलकर किया गया है। बातचीत भी किया गया है लेक स्टैंड पर्सेलन और खबावन के बारे में। होखरास जहाँ पर घास इत्यादि ज़्यादा नज़र आते हैं, बर्मन और ऑंडरहो जो है खोटन का, ये इसके बारे में जिक्र हुआ और कहा जाता है सख्ती के साथ लोग भी पेश आएंगे अगर लोग वेट और रेखल्स पर गौर करेंगे और इन्हें नकारेंगे और कोई भी तरीका के ये साफ सफाई ये लोग नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी किया जाएगा। कहा जाता है ज्वार बुतस ये आने वाले है वेट अनुसार। मिनिस्टेरी ये भी कही है कि ऑपरेटर जो है ये रात वन मिनिस्टर्स RBN के साथ और खुद क्योरिंग जो वेट एंड रेखेविंग का किया गया, जो लोग इन पर गौर नहीं करेंगे जो खुद क्योरिंग दिया जाएगा रात वन मिनिस्टर्स RBN के जरिए से, तो ज़रूर से ओवे इनमें भी ऑपरेट करेंगे। इनको पूरा अधिकार रहेगा लोगों के साथ सख्ती से पेश आने के लिए। फॉक्स रिपब्लिक चीना मदद भी देने वाले है वाटर ओवरलास्ट जो सूरीनाम में है। फॉक्स रिपब्लिक चीना ये भी फिनेंशियल इंजेक्शन $50,000 का सूरीनाम को देने वाले है, ये भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो वाटर स्नोट है बेनलान के लिए। ऐसे ये डोनासी जो है मंगल यूनि के 14 तारीख दिया गया, दस्तखत जो किया गया मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन जो बैतलांस साकन इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल सामन वर्किंग बीबेस का मिनिस्टर है और चीनी अम्बेसडर हान येंग के जरिए से दस्तखत किया गया। सूरीनाम ये इन्वेस्टेरिंग्स प्रोग्राम बनाए है अपने लिए और इनमें कम से कम $2 मिलियन खर्चा लगेगा स्ट्रक्चरल अपलॉसिंग ये वाटर स्नोट प्रॉब्लम में लाने के लिए। बीबेस का मिनिस्टर ये भी डायरेक्टोरेट इंटरनेशनल सामन वर्किंग के जरिए से मदद मांग जो किए थे
अपने पार्टनर से ये ओवरस्ट्रोमिंग के बारे में जो सूरीनाम में वाटरस्नोट लाए हैं, लोग काफ़ी मुश्किलात में है, तो बीबेस का मिनिस्टर ये भी अपने पार्टनर से गुजारिश किए थे। ऐसे शीना इन पर जो सुनवाई की है और $5,000 पैसा जो देने वाले हैं, और ये भी नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर रामबन बहेरसिंग NCCR के जरिए से ये पैसा जो लगाया जाएगा। कहा जाता है काफ़ी खर्चा लगने वाले है ये अफवातरिंग से इंस्टालासी करने के लिए, ये वाटर ओवरलास्ट को कम करने के लिए। ऐसे भी इनके लिए इन्वेस्टेरिंग्स प्रोग्राम रखा गया है सूरीनाम के लिए, इनमें कम से कम $3 million पैसा लगेगा। वाटर बहेरसिंग जो है ये प्रियोरिटेट होना चाहिए सूरीनाम के लिए, और ज़रूर से मिनिस्टेरी फॉर रेमतल ऑर्डनिंग एंड मिल्यो बपालिंगन जो इनके तरफ से होगा कि एक जगह पर बाव या तो फिर बाव करना मना किया जाएगा। तो कहा जाता है कि ये सिस्टम के साथ मिनिस्टर रामदीन ये कहते हैं कि सूरीनाम भी हिड्रोलोजिस मोनिटोरिंग सिस्टम जो शीना से लाना चाहते हैं, ये पैसा ये लोग भी लगाने वाले हैं, ये हिड्रोलोजिस मोनिटोरिंग सिस्टम जो शीना से लाया जाएगा। ऐसे भी शीनीस अम्बासाड से बातचीत किया गया है, और जो रामपन प्रोफेंसी होते हैं लानबाउ हसौथेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर शीना भी जरूर से सूरीनाम के मदद करना चाहते हैं और करेंगे। सुनने वालों, 5 नियर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल किया गया, सफलता इनमें जरूर से प्राप्त हुए है। ये मिसी जो थे 5 नियर ट्रांसप्लांटेशन का ये अकादेमी सेकंड हाउस पारामारिबो में किया गया और ये हो चुके हैं। सभी ऑपरेशन ये भी सफलता के साथ हुए हैं, और लोग जिनको एक नियर दिया गया है और लोग जो नियर दिए हैं दूसरे लोगों को। ऐसे ये मिसी जो है इस साल में भी करीब नवंबर महीना में फिर से आने वाले हैं ये खास नियर ट्रांसप्लांटेशन के लिए सूरीनाम में। नाजारख का गारंटी भी दिया जाता है। ऐसे सुक्यूनी के 17 तारीख के टीम जो थे स्पेशलिस्टन का अम्स्टरडाम यूनिवर्सिटी मेडिस सेंट्रम का और AZP का मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी में बतलाई है ये नियर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जो किया गया है। AZP डायरेक्टर क्लाउडिया रेडन वहाँ पर थे, और मिनिस्टर अमर अमादीन ये भी शुक्रगुजार है और फ़ख्र के साथ भी कहते हैं कि सूरीनाम से मेडिस टीम भी इनमें अपने सहयोग जो दिए है। कहा जाता था कि नेदरलैंड्स टीम इनमें कम से कम 10 लोग आने वाले थे, 10 स्पेशलिस्ट, लेकिन सिर्फ 4 आए थे। बाकी जो है मदद सूरीनाम से डेस्कुंडक का दिया गया है, और इन पर भी मिनिस्टर जो फॉक्स हसौथेट का है इन पर भी फ़ख्र जो करते हैं कि लोग जो है सूरीनाम का ये भी काबिल होते हैं ऐसे ऑपरेशंस में मदद देने के लिए। ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स इनक्रेप भी थे जहाँ पर AZP का मेडिस स्पेशलिस्ट टीम इनमें भी हिस्सेदार जो थे। नेफ्रोलोग फ्रेडरिक बेमलमान ये भी कहे है कि ऐसे देखा जाता है कि एक बहन अपने भाई को नियर दिए थे, ऐसे एक माँ अपनी बेटी के मदद किए और एक पिता अपने बेटा को। कहा जाता है सबसे यंगस्टर जो थे मरीज ये एनंदर तखियार का था, और सबसे ओल्डस्टर ये 65 साल के थे जिनको एक नियर दिया गया है। और भी कहा जाता है नेफ्रोलोग केशव गुरदत्त के जरिए से कि नियर ट्रांसप्लांटेशन ये और सस्ते में होता है डायलिसिस करने से पहले, यानी नियर ट्रांसप्लांटेशन और सस्ता होते हैं डायलिसिस में अगर देखा जाए लोग अपने डायलिसिस जो कराएंगे। ऐसे भी कहते हैं कि नियर ट्रांसप्लांटेशन के बाद डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्टर AZP का क्लाउडिया रेडन ये भी कहते हैं कि कम से कम 20,000 यूरो का आधा पैसा ये भी मेडिकामेंट में लगाया जाता है इन लोगों के लिए। और सुनने वालों, आपको भी बताया गया था OV का जो नया वेट और रेखीविंग निकलने वाले हैं, तो भी कहा जाता है कि OV का फॉरवर्ड जो है इन पर भी लोगों को गौर करना चाहिए। और ऐसे भी मिनिस्टेरी फॉर ख्रंट बलेट एंड पोस्टू सेख का जो होते हैं ये भी ख्रंट अर्थिफ्ट नहीं कर सकते हैं रिफर काफलिंग्स प्रोजेक्ट को। ये पहले OV का मिनिस्टर के वहाँ पर इंस्टांसिस के जरिए से खुद कर होना चाहिए, तब जाकर ये ख्रंट अर्थिफ्ट भी किया जा सकता है ख्रॉन बलेट एंड बॉस्टू सेह के जरिए से। ये ख़ास तौर पर फरकाफलिंग्स प्रोजेक्ट के फरखनंगे के लिए जो बात किया जाता है। ऐसे भी मिनिस्टेरी जो OV का है ये कुछ महीने से जो ट्रेनिंग करते हैं मिलियो पॉलिसी का इंट्रोड्यूसर करने वाले हैं, ताकि OV जो है अपने काम और बेहतर से कर सके अपने लोगों के साथ जो अंडरहोत होता है बैरमन पैरसीलन का जो नहीं भी किया जाता है, इनमें सही तरीका से लोगों को
बदलाने के लिए और करेक्ट मानीर पर ये सभी काम करने के लिए। ऐसे भी कहा जाता है मिलियोई वैथेफिंग पर भी जरूर सख्ती से लोग गौर वहाँ पर करेंगे, ऐसे मिनिस्टर याद नूर मोहम्मद भी बतलाए है। एक हिस्सा जो है सारामा का वह का बंद किया गया है ज्वार फरकेर के लिए, ज्वार ट्रांसपोर्ट के लिए। देर से ही जो है सारा मका का शरीन बांसी दुर्गा ये यूनि के 15 तारीख बतलाए है अपने बकैंड मार्किंग में कि सारा मका वह ये अर्थ कैक ब्रुख से लेकर माहो वह तक बंद किया जाएगा ज्वार ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी ज्वार मटेरियल और फ्रख्त फरफोर जाम ट्रांसपोर्ट इत्यादि वहाँ से नहीं गुजर सकते है। आप स्लोइटिंग ज़रूरी था, देर से ये बतलाते हैं कि वहाँ पर इफेक्टन जो थे स्प्रिंग फ्लूड का, तो पानी सड़क पर आ गए थे अर्थ कैक ब्रुख के आसपास में और एक खफ्फार लक फर्जाकिंग भी नज़र आए है, ये भी पम्प स्टेशन हामबर्ग के आसपास में सड़क पर, इसलिए यह रास्ता ज्वार ट्रांसपोर्ट के लिए बंद किया गया है कुछ दिनों के लिए। प्रेसिडेंट एनसीसीआर को ये अपद्राह दिए है इवैक्यूएशन लोगों का करने के लिए पारामारिबो में, जो बड़े बुरे हाल में होते हैं वाटर स्नोड के कारण से। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये अपद्राह दिए है इवैक्यूएशन के लिए लोगों के लिए जो वाटर ओवरलास्ट का शिकार हुए है, यानी लोग जो वहाँ पर मुश्किलात में होते हैं, सभी जगह डूबे हुए होते हैं, ऐसे वे ओरिएंटेशन के लिए बीफे यूनि के 16 तारीख गए थे मिनिस्टर याद नूर मोहम्मद के साथ अनेकों जगहों पर देखने के लिए कि लोगों का हाल किस तरह से है। ऐसे नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर रैम्पेंट बिहेवियर एनसीसीआर लोगों को इवैक्यूएट वहाँ से निकालने वाले हैं जो अनहिजीनिक सिचुएशन में रहते हैं, और वहाँ पर भी ऑपकना ब्यर्थ लोगों के घरों को दिया जाएगा ताकि सिचुएशन जो है और बेहतर वहाँ पर हो सके रहने के लिए। ऐसे भी फॉलोपक अपफंड फैसिलिटेट तैयार किया जाएगा और ओरिएंटेशन के लिए वहाँ पर मिनिस्टर याद नूर मोहम्मद ओवे का थे और जेरिस लैंड हार्ट कोऑर्डिनेटर जो है एनसीसीआर का। क्लस्टर टीम मिनिस्टर का भी अपद्राह इन सभी को दिया गया है ये मातृखल सिचुएशन जिस तरह से वहाँ पर है मातृखल लेने के लिए, ताकि वहाँ के लोग कम मुश्किलात में रहे। ऐसे वहाँ पर ये ओरिएंटेशन के लिए लोग गए थे फलैंड कैसर स्ट्रात, क्रिस्टा स्ट्रात, द साल्वाडोर मिलोस होल और पम्पाल मथुरा के पास लोग गए थे देखने के लिए। 16 कुबानसा आर्ट्स और फरप्लेखकुंडन ये मिनिस्टर रामादीन के पास गए थे। मिनिस्टर अमर रामादीन फॉक्स कसौम थे का मिनिस्टर जो है बुतियोनी के 15 तारीख 16 कुबानसा आर्ट्स और 6 फरप्लेखकुंडन को ऑनफांग किए थे कैनिस मार्किंग्स बसुक के साथ। बातचीत वहाँ पर किया गया है खजौम थेट्स मीड वर्कर्स के साथ ये खजौम थेट के बारे में सूरीनाम में। ऐसे ये खास ग्रुप जो है सूरीनाम में आए है, काम जो करेंगे काम में लगाए जाएगा, ऐसे मिनिस्टर भी बतलाए है वहाँ पर कि खजौम थेट्स मीड वर्कर्स जो है इनके सलारस के बारे में खुद क्योरिंग भी दिया गया है और हाल में इन सभी को ऐद बताल भी किया जाएगा। बीते हुए ये यानी वारी के पहली तारीख नए साल 2023 में होने वाले हैं, ऐसे भी IMF प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। यह नया वेट बलास्टिंग जो है टू हफूख दवार बीते हुए ये इन दिन किया गया है नेशनल असेंबली डेयाना के पास। बीते हुए के साथ ऑमजेट बलास्टिंग फरफांग किया जाएगा और ये भी मॉडर्न और इफेक्टिव मानियर पर बलास्टिंग इनिंग के लिए रहेगा, और ऐसे भी ये अख्तर लिखन दूल स्टैलिंग इनका होता है कि ओवरहेड्स फिनंसिंग इनसे और बढ़े। ये इनकम्स डाटम जो बीते हुए का प्लान किया गया था यूली के पहली तारीख इस साल ये टाल दिया गया है और अब यूनी के पहली तारीख साल 2023 में होने वाले है। यह अर्थ स्टाइल भी खास तौर पर किया गया है ताकि लोग जो है अनेकों प्राइस टैगिंग के मुश्किलात के सामना इस वक्त जो करते हैं इनको कम करने के लिए, और ऐसे भी ये लातर इनफोरिंग जो होगा बीते हुए का तो लोग भी जरूर से ये इम्प्लीमेंटेशन बीते हुए का जो ऑन द डेल होते हैं IMF प्रोग्राम का इनके लिए भी तैयार जो रहेंगे। ऐसे IMF को पूछा गया है इलातर इनफोरिंग करने के लिए, क्योंकि ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा IMF के जरिए से। ये दूसरा IMF प्रोग्राम इवैल्यूएशन जो होने वाले थे IMF बोर्ड के जरिए से ये टाल दिया गया है, फर्शाइफ किया गया है, और ये प्रोग्राम IMF का ये 2024 तक रहेगा और इनके लिए भी कुछ मातृखल जो लिया जाएगा फिस्काल और मोनिटेर पोसिसी को ये भी
Suriname ka verstärk karne ke liye. Aise bhi kaha jata hai bahut hi zaruri underdeal jo hote hai iska yeh hai restructuring jo hai schulden ka. Aise bhi minister for financing and planning yeh apne pesh barikh mein iske bare mein logo ko batlaye hai. Initiative vet liya jayega double salaris ke bare mein parliamentariers ke bare mein zikr kiya jata hai. ऐसे कहा जाता है कि फॉल्ट एट फंक्शनिंग दियाना लिट का होना चाहिए काफी बातचीत किया गया वादा भी कितना किया गया है लोगों को और बीफे यूनी के 16 तारीख एक इनिशिएटिव फोरस्टेल एंडिंग किया गया है नेशनल असेंबली के पास ये भी डबल सलारसन जो है असेंबली लेटर जो पाते हैं ये भी सरकार के पास इनको दूर करने के लिए और इन्हें बंद करने के लिए Wet non-activiteit ke bare mein zikr kiya gaya hai, wet non-activiteit van ambten ke bare mein, to kaha jata hai ke lidmaatschap jo hota hai DNA ka, to inke saat log jo DNA lid chuna jata hai, aur parlament mein jaakar apne jaga lete hai, to inko parastatal bedrijf ke paas, ya to fir koi aneko bedrijf jin mein overheid subsidi lagaya jata hai, wahan par inke liye paisa salaris inko nahi mile. ऐसे ये इनिशिएटिव वेट जो है लिया गया है डेयाना लेडन जो है आशीष कुमार गायदिन ये फेहा पे का जो है योसा फात कानापे आबॉब का जो है और किशन राम सुकुल फेहा पे का जो है ये इनिशिएटिव वेट ये भी इन सभी डेयाना लेडर के सरे से लिया गया था ये खास कानून जो है इनके साथ भी लोग जो है डेयाना में जो अंदर जाएंगे इनको नॉन एक्टिव रखा जाएगा दूसरे काम के लिए यानी दूसरे काम के लिए इन सभी को सलारस या तो फिर शादल उस्टेलिंग नहीं दिया जाएगा ऐसे ये इनिशिएटिव वेट में जिक्र किया गया है ऐसे भी कहा जाता है कि अमतनार जो है ये भी नॉन एक्टिव पर होगा अगर वे लिट चुना जाता है नेशनल असेंबली में अगर इनको लाया जाता है इनको जो काम करना पड़ेगा ऐसे ये लिटमाचखाप जो है नेशनल असेंबली का ये अनफरीन अखबार होता है लिटमाचखाप जो है रेगिंग का ऐसे रेखतलक मार स्टाट्सराट रेकनकामर और हेड कंस्टिट्यूशनल हॉफ जो है और राधन फन तुसेख जो होता है राधन फन कमिसारसन फन परास्ताल बद्रेवन फंक्शियम्तनार का कंट्रैक्टर आनेमर और वर्कनेमर जो होता है परास्ताल बद्रेव के पास या बद्रेव जो सरकार के सब्सिडी के साथ चलता है तो कहा जाता है कि लिटमाचखाप नेशनल असेंबली का जो लोगों को दिया जाता है ये अनफरीन अखबार होता है इन सभी काम के साथ नौकरी के साथ जो लोग बाहर करते हैं ऐसे भी उन सभी का इनिशिएटिव वेट में आर्टिकल 8 का जिक्र किया गया है कि डेयाना लेट जो कम से कम 50% से कम प्लेनर ओपन बार फरहादरिंगन में हिस्सा लेंगे तो इन सभी के लिए भी कहा जाता है कि बिना कोई वजह अगर ये लोग अफेसक रहेंगे ये प्लेनर फरहादरिंगन में ओपन बार फरहादरिंगन में जो तय किया जाएगा तो कहा जाता है अगर ओवरलैकिंग बे बहोरंद ऑफिशियल या तो फिर शिफ्टलक फरक्लारिंग का नहीं होगा तो इन सभी के अफेसकहेड के लिए इन सभी को कोई स्खादलो स्टेलिंग नहीं दिया जाएगा ऐसे ये इनिशिएटिव वेट के बारे में जिक्र किया गया जो इन दिन भी किया गया है डेयाना के पास Andrei Kamperveen Stadion ye tijdelijke oplossing hoe hele waarissen ke liye dak- en thuislozen ko wahan par rakha jayega. Andrei Kamperveen Stadion ye Juni ke 24 tarikh se ek tijdelijke opvang wahan par rahega. जहाँ पर डक और टॉयसलोसन को लावारिसों को रखा जाएगा जो सड़कों पर खबाव के आगे पीछे रहते हैं और वहाँ पर इन जिन लोगों को घर नहीं होते हैं ये डक एंड टॉयसलोसन को वहाँ पर रखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स पारामारिबो नॉर्थ ओस्ट का रिकार्डो भोला ये कहते हैं कि अंडरहोल्ड इनको भी हुआ है स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बात किए है और आका स्टेडियम ये तैदलक लोकेशन चुना गया है ये टॉयसलोसन के लिए ऐसे 6 महीने बाद लोग फिर देखेंगे कि इन पर वे लोग क्या करने वाले हैं आगे बढ़ेंगे उसी जगह के साथ या कोई और अपलॉसिंग लेकर आने वाले हैं ये मात्रिक लिया गया है क्योंकि देखा जाता है काफ़ी ऐसे अनखवेंस्ट जाकर नजर आते हैं बेन स्टाप में पारामारिबो में जहां पर लोग भी काफ़ी मुश्किल के सामना करते हैं ये स्वेफर्स और टक और टर्सलोसन जो इनको छेड़छाड़ करते रहते हैं तो इन सभी बातों से भी जरूर से लोगों को बचाने के लिए ये डक एंड टर्सलोसन को एक दूसरे जगह यानी आका स्टेडियम में रखा जाएगा
ऐसे भी साक्ष्य वहाँ पर और ओवरसिक्तलक ऑर्डन किया जा सकता है और ऐसे ये स्टेडियम जो है वहाँ पर ये लोगों को रखा गया है। फासन का जिक्र किया जाता है, देसे भोला ये कहते हैं कि ये अनमेल्डिंग फास जो रहेगा इनमें रेखिस्तरा से रहेगा ये खास दो ग्रुप के लिए, और फिर एक और फास रहेगा जिनका जिक्र किया गया ये है रे सोशलिसासी फास जिनमें लोगों को तैयार किया जाता है फिर से एक अच्छा इंसान बनकर मजखपे में फिर जाकर अपने काम धंधा करने के लिए फॉलवार्ड बर्गर्स इनको बनाने के लिए ये मजखपे के लिए। नारकोटिका ब्रिखाद ये कहे है कि सख्ती के साथ लोग पेश आएंगे, अगर आप कानून के बाहर ड्रग्स हैंडल ये कानून के बाहर जो होता है ये सभी काम आप करेंगे तो नारकोटिका ब्रिखाद ये कहते हैं कि सख्ती के साथ लोग पेश आएंगे। लेडर जो है नारकोटिका ब्रिखाद का कॉर्प्स पुलिस सुरीनाम का ये सनीचर यूनी के 11 तारीख और दो लोकाचिस पर अनेकों लोकाचिस पर गए थे, वहाँ पर देखा गया है कि लोग नशीली दवा बेचते खरीदते रहते हैं और ऐसे गेम शॉप के पास वे गए थे लातूर के पास, वहाँ पर भी ड्रग्स बेचा जाता था नशीली दवा, तो वहाँ पर पुलिस को भी मिला है एक हुफिल हैट मारुआना जो ऑन बहेर थे। ऐसे भी फरदेंकिंग जो होते हैं ओवर ट्रेडिंग फंड वेट फॉर दो फंड मिडलैंड, तो लोगों को वहाँ पर फुयर भी किया गया जो उस आसपास में थे लेकिन कुछ नहीं मिला इन लोगों के पास। ऐसे भी पॉनबर्ट में वहाँ पर दो फरदख्त को पकड़ा गया है, ये भी वहाँ पर मारुआना हश और एक डिजिटल वेस्ट खाल जो मिला है लोगों के पास, तो ये सभी बसलाह में लिया गया है और ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ बात किया गया तो ये दो फरदख्त को भी पकड़ के बंद किया गया। इसके साथ कहा जाता है कि सिपाही सख्ती के साथ लोगों के साथ पेश आएंगे, अगर ये लोग नशीली दवा इधर उधर लोगों को बेच कर देंगे ख़ासतौर पर यूथ दखन इनका शिकार जो होते हैं, तो कहते हैं सिपाही कहते हैं कि लोग जो दुकानदार होते हैं गेम शॉप्स इत्यादि जिनके पास होते हैं इन सभी को भी गौर करना चाहिए इनके दुकान में एंड दुकान के आसपास सामने क्या होता है, अगर सिपाही वहाँ पर आएंगे और लोगों को पकड़ेंगे जो नशीली दवा का धंधा वहाँ पर करते हैं तो आप भी हो ना हो मुश्किलात में पड़ेंगे, तो इस पर भी सरोशे आपको गौर करना चाहिए। एक जला हुआ मोटरगाड़ी और एक लाश मिला है एक आदमी का आफूबा का वह पर, ये सिपाही जो है पुलिस ब्यूरो पारा नाम का सुख यूनी के 17 तारीख कल ये जला हुआ मोटरगाड़ी और एक लाश जो है एक आदमी का ये पाए है आफूबा का वह पर। ऐसे कापीएस बतलाते हैं कि मेल्डिंग जो किया गया कि एक मोटरगाड़ी में आग लगा हुआ था, जबकि सिपाही वहां पर पहुंचे तो आग पूरा तौर पर लग चुका था, मोटरगाड़ी पूरा जलकर राख हो गए थे। आसपास में जंगल के तरफ करीब होफ के करीब वहां पर एक आदमी का लाश भी पाया गया है आंखरेंसन बॉस में, ये भी दिख बैद होफ कहा जाता है। लोग भी कहते हैं सिपाही के तरफ से कि फरमुदलक हिंदुस्तान से कम अफका ये आदमी जो है और इनका पर्सनालिया के बारे में अभी खबर बाहर नहीं निकला है कि वे कौन है, और इनमें अभी किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया, और जो लाश है ये आदमी का और ये अखबरामद मोटरगाड़ी जो है जला हुआ मोटरगाड़ी बसलाख में लिया गया है और सुख ये रिसर्चर्स जो है अफदेलन कैपिटल डेलिक्टन को सौंपा गया है। और सुनने वालों आखिरी में भी सरोशे खबर आपके लिए, कल एतवार यूनी के 19 तारीख है पितृ दिवस फादर डे है, तो सरोशे सभी पिताओं को यहाँ से मुबारकबादी बधाइयाँ दिया जाता है खास दिन तारीख के लिए, एक अच्छी दिन आपके लिए कल हो, और इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म किया जाता है। नमस्कार, खुदा हाफिज़।